वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू छोटो को ढेर सारा प्यार बड़ों को पेरिकोना जी। अभी टाइम हो रहा है 8:30। मैं आरव को स्कूल छोड़कर आई हूँ कि आज उसका लास्ट एग्जाम था, तो उसको स्कूल छोड़ के आने के बाद मैं सोई नहीं क्योंकि मुझे मंदिर भी जाना है और फिर आरव को भी लेने जाना है, तो सफाई वगैरह कपड़े समेटना ये सब काम मैंने निपटा लिया। और अभी मैंने बनाई अपने लिए पटियाला कप चाय का जो मैं पीने लगी हूँ, और आधे से ज़्यादा काम मेरा ख़त्म हो गया, सुबह सुबह ही निपटा लिया। अब थोड़ा सा रिलैक्स होगा सारा दिन और मुझे कल की तैयारी करनी है। कल का ब्लॉग कल देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं इतनी एक्साइटेड क्यों रहती हूँ। और मुझे बाज़ार भी जाना है, तो बाज़ार के मुझे थोड़े बहुत काम है जो कल से रिलेटेड ही हैं, तो इसलिए मैंने अपना काम मॉर्निंग में निपटाया है फटाफट। और अभी मैं धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरी बेटी और हस्बैंड सो रहे हैं, इवन ब्रूनो भी बड़ी गहरी नींद में सो रहा है, तो मैंने कहा चलो जितना मेरा काम निपटता है वो तो निपटा लें। और आज आरव का एग्ज़ाम दे दी मैथ्स का था, तैयारी पता नहीं कैसे हुई, क्या करके आएगा आई डोंट नो, बट कल से अब हम आराम से सोएंगे और आराम से उठेंगे, और आज तो मैं मूवीज भी देखूंगी ज़रूर। तो चलिए गाइस हमारे साथ बने रहिए सारा दिन। 2000 years later. Guys, मैं आरव को स्कूल से लेकर आ गई हूँ और finally इसके exams खत्म। वो तो कल ही हो गए। मेरी जान छुट्टी और ब्रूनो मेरी चुन्नी लेके भागा, ये देखिए। देखो जो चुन्नी मैं लपेट के जाती हूँ उसका मौका लगाने की चुन्नी लेके भागा मेरी, ये देखो आप देख रहे हो उसको चुन्नी में, इसको क्या मिल रहा है भाई, रुक जा तेरा खाना लेके आ रही हूँ मैं। ब्रूनो रुको अभी तेरा लंच लेकर आ रही हूँ, और अगर तू भागा ना इधर से उधर तो तू देख फिर। चल मैं इसकी रोटी लेकर आती हूँ, ठीक है। आंखें देखिए इसकी कैसे चमकती है। गाइज मैं अभी जा रही हूँ मार्केट क्योंकि जो कपड़े कल मैं लाई थी, मतलब जो कुर्ता मैं लाई थी, वो कुर्ता बहुत लूज है, तो इतना ढीला ढाला तो अच्छा लगेगा नहीं, मुझे चाहिए होते हैं फिटिंग वाले कपड़े, तो उसको ऑर्डर करने देना है और वो शाम तक मिल जाएगा क्योंकि कल मुझे पहनना है, मतलब ऐसे ही मन कर रहा है। और आरव की कैपरी लानी है क्योंकि वो खेलने जाता है तो उसको कैपरी चाहिए, तो चलिए चलते हैं बाजार में और देखते हैं क्या होता है और कितना काम निपटा के आती हूँ। मैंने पूरा कवर कर लिया, देखिए हाथ भी और दुपट्टा भी सब कुछ कवर कर लिया क्योंकि बाहर धूप बहुत तेज है, बहुत गर्मी है, और 10 दिन के अंदर अंदर एसी की सर्विस भी करानी पड़ेगी। गाइज मैं आपसे सुबह मिली थी जब मैं जा रही थी मार्केट, और उसके बाद मैं बहुत लेट पहुंची, फटाफट घर पहुंची, नहाए धोए, खाना बनाया, और अब मैं आपसे मिल रही हूँ। और मंदिर जाना है शाम को, लेकिन अभी बच्चे आने लग गए हैं तो अभी मैं पढ़ाने जाऊंगी और उसके बाद मैं आपसे मिलूंगी। और आज मेरे काम बहुत सारे हैं, मैं जो लेकर आई हूँ मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। सूट ऑर्डर करने दे दिया है, वो शाम तक मुझे मिल जाएगा, मतलब कुर्ता शाम तक मिल जाएगा, तो टाइम से दे दिया इसलिए मिल जाएगा, वरना नहीं मिलता। ये ब्रूनो को देखो मैं ऐसे बात कर रही हूँ हाथ हिलाते हुए, इसको बिस्किट नज़र आ रहा है इसका पसंद वाला, पार्ले जी तो उसको चाहिए, ये इसके लिए नहीं है, जो बच्चे 3-4 बैठे हैं अंदर उनको प्रसाद देना है। आज थर्सडे तो मंदिर पर जाना है, और जो काम मेरे छोटे मोटे रह गए थे आज मैं पता क्या करूँगी, सारे कामों की लिस्ट बनाऊँगी क्योंकि 21 तक 21 मेरे पास स्टूडेंट्स होंगे, उसके बाद पता नहीं 10 दिन 15 दिन 1 महीना कितना टाइम लगता है, तो मैं ना आज एक पेपर पे लिस्ट बना लूँगी। एक दिन क्या करना है, पहले दिन तो आराम करना है, कुछ नहीं करना, मूवी देखनी है, आराम करना है, टीवी देखना है बस। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे क्या करना है, फिर आरव की बुक्स, फिर अलमीरा, फिर बाथरूम, फिर किचन, फिर डोरेमोन की अलमारी, मतलब इस तरह से एक एक कोना पकड़ के मैं अपना आधा आधा टाइम पास करती रहूँगी। तो लिस्ट बना लूँगी किस दिन क्या करना है। और जो परफ्यूम लगाया ना ब्रूनो को, उसकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती है, जैसे ही परफ्यूम लगाओ ये साथ में आ जाता है। तो चलिए अभी मैं जाती हूँ पढ़ाने, और पढ़ाने के साथ साथ क्योंकि बच्चे बहुत कम हैं तो जो काम निपटता जाएगा वो साथ साथ करते जाएंगे, बच्चों को टेस्ट दे देंगे, बच्चे अपना टेस्ट करेंगे, तो इस तरह से हमारा दिन शुरू होता है। देख लो वो कैमरे के अंदर ही घुसता जा रहा है, खुशबू आ रही है। ब्रूनो कहाँ की खुशबू आ रही है, क्या किया ये, छी गंदा, क्या करके गया ये, मुंह पे लगा गया सारा, देखो कपड़े पे क्या लगा दिया ये, गंदा बच्चा। आरव खेलने चला गया, तेरे को लेके नहीं गया, अभी आ जाएगा। गाइस आरव पार्क चला गया खेलने और उसको लेकर नहीं गया ना, तो इसका ध्यान लिटरली बाहर है कि आरव कब आएगा। A few moments later. Guys, मैं अभी जा रही हूँ मंदिर और टाइम हो रहा है 8:30, 9:45 बज रहे हैं, मैं बहुत लेट हो गई एक्चुअली, ट्यूशन में आज काफ़ी लेट हो गया, और 8:45 बजे मैं जा रही हूँ मंदिर में और आपसे आके बहुत सारी बातें करूँगी, तो फटाफट मंदिर होकर आते हैं फिर आपसे मिलते हैं। गाइज मैं मंदिर से अभी आई हूँ और बस अभी खाना वाना आज कुछ बनाना नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा रिलैक्स्ड हूँ,
क्योंकि आज खाना है सबने रात को अंडा ब्रेड, मतलब रोटी नहीं खानी, सब्जी नहीं खानी। पहले प्रोग्राम था पाव भाजी का, तो मेरे हस्बैंड ने बोला पाव भाजी, बच्चों ने मना कर दिया रात को पाव भाजी हम नहीं खाएंगे, नाश्ते में बनाओ। तो अभी रात को डिसाइड हुआ है कि अंडा ब्रेड बनाया जाएगा और प्रसाद में हमने चढ़ाया टेस्टी यम्मी मिल्क केक, आई लव इट। और मैं आप लोगों को एक छोटी सी अपने दिल की बात कहना चाहती हूँ, और वो ये है कि आज का थोड़ा सा जो मेरा डे है वो थोड़ा ज़्यादा हैक्टिक गया, और ज़्यादा हैक्टिक इसलिए कि एक मतलब एक गॉड गिफ्ट है मेरे पास, सच में है, आप माने या ना माने, बट जो लोग मुझे जानते हैं उनको ये बात पूरी तरह से विश्वास है कि बच्चे अगर कुछ गड़बड़ करते हैं ना तो मेरी नज़रों से छुपता नहीं है, क्योंकि मुझे टीचिंग लाइन में कुछ 25-26 साल हो गए हैं, बच्चों के साथ मतलब आधी ज़िंदगी मेरी निकल गई है, तो कुछ गड़बड़ होती है ना तो मुझे बहुत जल्दी स्ट्राइक करते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग अपने बच्चों पर ध्यान रखिए कि वो फ़ोन में करते क्या हैं। फ़ोन दे दिया ज़रूरी है, नीड है, कई बार ऑनलाइन क्लास है, कई बार प्रोजेक्ट्स है, कई बार उनके काम आते हैं, कई बार वो एबसेंट होते हैं तो उनका वर्क आता है, वो सब चीज़ें उनको फ़ोन में बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो फ़ोन का मिसयूज़ ना करें। इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर, बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं, स्काइप है, बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं सोशल मीडिया जहाँ पर बच्चे चीज़ों को मिसयूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी आप लोगों के साथ, तो कुछ भी अगर ऐसा होता है तो बच्चों को आज़ादी आप दो, छूट दो, बट नज़र रखो कि वो करते क्या हैं, इससे पहले कि वो हाथ से निकल जाएं, आपको पता ही ना चले बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, दो दो बजे तक खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं। तो अगर वो इस तरीके से मिसबिहेव करते हैं या उनका एटीट्यूड चेंज होता है या उनके बात करने के तरीके में, आपसे बर्ताव में या मिसबिहेव कुछ भी अगर आपको अजीब लगता है तो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट। हम लोग वो बोलते हैं ना कि सावधानी बहुत ज़रूरी है, तो आज़ादी के साथ ही हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि हम बच्चों की एक्टिविटीज़ में पूरा ध्यान रखें कि वो कर क्या रहे हैं। छूट दीजिए बट वो भी एक लिमिट तक। तो कुछ आज सारा दिन मेरा ऐसे ही बच्चों के साथ बहुत हैक्टिक गया, बहुत ज़्यादा हैक्टिक कि आई कॉन्ट डिस्कस टू मच, बट फिर भी मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से यही बताऊँगी कि बच्चे बच्चे नहीं हैं, हमारे बाप हैं, ये फैक्ट है। हमें लगता है कि बच्चे हैं बड़े सीधे हैं, बड़े शरीफ हैं, बड़े इनोसेंट हैं, लेकिन नहीं, बच्चे हमारे भी बाप हैं और ये फैक्ट है। हम लोग तो ब्लैक एंड वाइट या कलर टीवी का ज़माना है ना हमारा जो था ग्रोइंग एज में, आजकल के बच्चे स्मार्ट टीवी की जनरेशन है, लैपटॉप की जनरेशन है, तो वो दिमाग से भी उसी हिसाब से है। तो इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहिए, सावधान रहिए। आपको लग रहा होगा साइबर सेल में वो क्राइम पेट्रोल चैनल लगा दिया मैंने, नहीं, लेकिन ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि थोड़ा सा बच्चों पे ध्यान रखिए। चलिए मैं ब्रूनो के लिए खाना बना लूँ, फिर मिलती हूँ। गाइज अभी है कुकिंग टाइम, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रात को डिनर में, मतलब डिनर रात को ही होता है ऑब्वियसली, ब्रेड अंडा डिमांड में है और अभी कोई खा नहीं रहा, तो मुझे टेंशन हो रही थी कि सुबह के लिए क्या करूँगी, क्योंकि सुबह मेरी नींद खुलती नहीं जल्दी और अभी बहुत लेट हो गया, मतलब 10:30-11 बजे आई थिंक। तो मैंने सोचा कि चलो ये लोग टीवी देख रहे हैं अभी और मुझे चैन तो पड़ता नहीं, आराम से टिक के बैठ जाऊँ मैं थोड़ी देर, तो मैं टींडे बना रही हूँ। टींडे पड़े हुए थे, मुझे याद आ गया, तो टींडे और टींडे में मैंने डाला है एक आलू, क्योंकि टींडे में अगर आलू डाल के बनाऊँ तो वो थोड़ा अच्छा बनता है और बहुत सिंपल, फट 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 एक साथ सब कुछ, नमक मिर्च हल्दी और थोड़ा सा गर्म मसाला और 2-3 सीटी वो मटके वाले कुकर में, बन गया हमारा टींडा, मतलब बन गए हमारे टींडे। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ, और आज आप बिलीव नहीं करोगे, सुबह से मैंने आज कंघी नहीं की है। आपको जो झाड़ू से बाल दिख रहे हैं ना, ये मैंने बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ही जब सूखे तो ऐसे ही बस हाथ से गोल किया और क्लचर लगा लिया, ये टाइप हो गए। लेकिन ये जो लटपट निकल आई ना, ये मैसी मैसी लुक मुझे अच्छा लग रहा था, तो मैंने दोबारा खोल के कॉम की ही नहीं, मैंने कहा चलो आज ऐसे ही रहने दो, और ऐसे ही रफ बालों में मैसी लुक में मैं पूरा बाजार मंदिर वगैरह सब घूम आई हूँ। तो चलिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ फटाफट रेसिपी। लिटिल बिट ऑफ जीरा, बहुत थोड़ा सा, मेरे हस्बैंड को जीरा ज़्यादा पसंद नहीं है, और थोड़ी सी हींग, और ये देखिए ये एक छोटी सी प्लेट है, मैंने टींडे आलू प्याज सब काट के रखे हैं, टमाटर बो रहे, तो ये सब मैं एक साथ डाल दूंगी। पहले डालूंगी इसमें हींग और जीरा, फिर ये सारा कटा हुआ सब्जियां, फिर टमाटर, फिर नमक मिर्च हल्दी और गरम मसाला। गाइस ये देखिए मैंने छोटे से मटके वाले कुकर में सब कुछ एक साथ डाल दिया, आलू टींडे प्याज टमाटर और 2-3 हरी मिर्चें सब काट के डाल दी हैं, और अब इसी में मैं नमक मिर्च हल्दी और गरम मसाला डाल दूंगी, थोड़ा सा पानी और 3-4 सीटियां, बन गए टींडे। गाइज ये देखिए मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं इसमें, और अब थोड़ा सा पानी डाल के मैं इसे हिलाऊंगी और फिर कुकर कर दूंगी बंद। गाइज देखिए पानी डालकर कुकर बंद कर दिया, और अब 2-3 सीटी बजेगी और हमारे टिंडे तैयार।
जनरली मेरी कुकिंग का तरीका बहुत सिंपल है, आपने देखा मैं ज्यादा टंटे वाला काम बहुत रेयर करती हूँ, जब हस्बैंड कुछ स्पेशल डिमांड करते हैं तब, अदरवाइज मैं फटाफट तड़का लगाकर खाना बना लेती हूँ। लेकिन मैं बनाती बहुत प्यार से और बहुत दिल से बनाती हूँ, इसीलिए सबको बहुत टेस्टी लगता है। तो कोई जरूरी नहीं होता कि आप एक एक घंटा रसोई में लग कर कोई कुकिंग करो तो ही अच्छा बने, प्यार से खिलाइए सबको अच्छा लगेगा। तो चलिए अभी हम करते हैं व्लॉग को एंड, क्योंकि अभी कुछ खाने का मूड नहीं है किसी का, और मैं आपको दिखाती हूँ बच्चा लोग क्या कर रहे हैं। गाइस ये देखिए बच्चे बाहर ठंडी मौसम का और ठंडी ठंडी हवा का मजा ले रहे हैं। ये पड़ोसियों की बेटी बैठी हुई है बाहर, और ये है हमारा आरवी जो यहाँ बैठा हुआ है। ये देखो इसको कैमरे के पास आते हैं, इसको इसके बाल सवार नहीं याद आ जाते हैं। मजा आ रहा है, मौसम अच्छा है ना आज, है ना गाइस? इस अच्छे अच्छे मौसम का मजा ये बच्चे ले रहे हैं और मैं लगी हूँ किचन में। तो बस अभी करते हैं ब्लॉग को एंड, ब्रूनो भी हमारे साथ यहीं घूम रहा है, जहाँ बच्चे वहाँ ब्रूनो। तो चलिए मिलते हैं आपको कल नए ब्लॉग में, हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को और भी सेट कर दीजिए, और बने रहिए हमारे साथ। और जो आपको समझाया है, जो बताया है, ध्यान रखिए एंड बी अलर्ट। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।